अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं इस वक्त जिस जगह पे हूँ ये आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी हैरान कन होगी। मैं इस वक्त कहीं और नहीं, किसी दूर दराज जगह पे नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद के रहने वाले रावल डैम के बारे में तो तमाम ही लोग जानते हैं और अपने फारग वक्त में पिकनिक के लिए रावल डैम ही का रुख करते हैं। दाएं बाएं कुछ और वाटर रिजर्वायर्स मौजूद हैं, लेकिन जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये जगह सबके लिए थोड़ी सी डिफरेंट है और थोड़ी सी छुपी हुई है। आप अगर सोचें कि इस रिजर्वायर के दाएं बाएं घने जंगल होंगे, कुछ वीरान जगह होंगी, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल आबाद सेक्टर्स के बीच में मौजूद है। पानी की एक नदी थी जिसके ऊपर ये डैम बनाया गया, आसपास की आबादियों को ज़रूरी तौर पर सैराब करने के लिए और पीने का पानी भी मुहैया करने के लिए। कुछ वाटर प्लांट्स भी यहाँ लगाए गए थे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो भी हालिया तौर पर फ़ाल नहीं है, लेकिन दोबारा सोचा जा रहा है कि इससे इसके साथ वाले सेक्टर्स को इससे पानी मुहैया किया जाए। देखने को ये जगह बहुत खूबसूरत और ये एक इंतहाई पुरफिजा मकाम है। गर्मियों के मौसम की शाम यहाँ पर सुहानी है। यहाँ से दिलकश मंज़र नज़र आता है सनसेट का। सूरज ग्रूब होने का मंज़र तो है ही, साथ में इन दिनों यहाँ पे पानी वाफर होने की वजह से इसके स्पिल वेज ओवर हो रहे हैं और यहाँ से पानी का फ्लो जारी है, जो देखने को एक खूबसूरत मंज़र दिखाता है। बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे पानी का ज़खीरा इस कदर है कि यहाँ कश्ती रानी की सहूलत भी अगर फराहम की जाए तो ये एक दिलचस्प एक्टिविटी हो सकती है यहाँ के वासियों के लिए। ये डैम कंक्रीट से तैयार किया गया है, बहुत वसीह और अरीज़ इसका बंद है, क्योंकि इसका पार्ट बहुत चौड़ा था इस नदी का। यहाँ पे इसको कंक्रीट के ज़रिए से इस पानी को रोका गया है, तो बहुत दूर नहीं है ये जगह आपके लिए। कुछ वक्त निकालिए, ढूंढिए, लोकेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 0 पॉइंट से 20 से 25 मिनट की मुसाफत पे है। इस्लामाबाद से टैक्सला जाते हुए आपको मार्गला व्यू के नाम से सोसाइटी नज़र आएगी। यहाँ पे एक साइड पे मार्गला के पहाड़ नज़र आते हैं, सीमेंट फैक्ट्री है, B17 का खूबसूरत सेक्टर है करीब। यहाँ पे बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप आएंगे तो हैरान रह जाएंगे और आपके बच्चे यहाँ पे आके खुश होंगे, क्योंकि उनके खाने पीने की चीज़ें, झूले, पार्क, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सहूलियात मौजूद हैं। और ये डैम आबादी के बीचों बीच है। इस तरह की जगह इस्लामाबाद के लिए आप समझ लें तोहफा है, उससे कम नहीं।